रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने से सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी खुशी मिली है। जिन निवेशकों ने सहारा में पैसा निवेश किया है, उन्हें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा है, फिर उन्हें उनसे जुड़े अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से खाते में डाले जाएंगे पैसे। ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों का पैसा तो वापस होगा, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि निवेशकों को ब्याज के साथ मिलेगा या सिर्फ मूलधन दिए जाएंगे। इस संबंध में गृह मंत्री या सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल सिर्फ आवेदन किए जाने के संबंध में जानकारी सामने आई है। सारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सारा इंडिया पासबुक। नंबर 2, आधार कार्ड। नंबर 3, निवेशकों का फ़ोटो, यानी कि जिस भी निवेशक ने पैसे को इन्वेस्ट किया था उसका फोटोग्राफ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो। मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और सारा इंडिया के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। तो जिस व्यक्ति के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकता है। बता दें कि देश भर में लाखों निवेशक जिन लोगों ने निवेश किया था उनको अमित शाह के फैसले के बाद सारा इंडिया निवेशकों को एक बार फिर उम्मीद जाग गई है।